इस बिल पर चर्चा सदन के अंदर हो रही है, दूसरे सदन में हो चुकी है और देश भर में ये बिल चर्चा का विषय बना हुआ है। कई सारे बयान आए, कई सारी बातें हुई, मैं समझ नहीं पा रहा था कि अपनी बात कहां से शुरू करूं। गृह मंत्री जी चले गए वरना मैं उनसे अपनी बात शुरू करता, लेकिन मैं पीठ के एक कमेंट से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि पीठ हमारी संरक्षक है, पीठ हमारे लिए आदर्श है। 4 तारीख को इसी महीने की, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक सदस्य ने एक प्रश्न पूछते हुए हमारे सदन के अंदर एक धर्म विशेष का नाम ले दिया। पीठ को आपत्ति हुई, स्वाभाविक भी है। चेयरमैन साहब ने क्या कहा, पीठ ने क्या कहा, जरा इस पर गौर कर लीजिए। व्हाट डू यू स्पीक विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, यू कांट मेक जनरल कमेंट्री एंड डिफेम द कंट्री, डोंट डिफेम द कंट्री एंड डोंट ब्रिंग कम्युनिटी इन द हाउस। सदस्य बोले, आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट। चेयर ने कहा, एवरीथिंग इज फैक्ट, डोंट आर्ग्यू विद चेयर, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। उन सदस्य को हो सकता है बुरा लगा हो, उनके साथियों को बुरा लगा हो, लेकिन मुझे रत्ती भर भी बुरा नहीं लगा कि एक धर्म के नाम के आधार पर अगर कोई साथी कोई प्रश्न पूछना चाहते थे तो चेयर ने उनको रोका। बल्कि मेरे लिए इस देश की परंपरा, इस सदन की परंपरा, इस देश के संविधान के लिए और ज्यादा मान मेरी नजर में बढ़ गया कि मैं एक ऐसे सदन का मेंबर हूं जहां धर्म के आधार पर ना अनुराग होगा ना द्वेष होगा। लेकिन यह जो बिल आया है सर, जैसा हमारे साथियों ने बताया और जब कानून विद्वान बोलेंगे, हमारे सदन के अंदर कई हैं, तो वो आर्टिकल 14 और दूसरे जो संविधान के अनुच्छेद हैं उनका किस प्रकार उल्लंघन करता है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है सर, हमारे स्टेट्समैन में भी इसमें भी लिखा गया उद्देश्यों और कारणों में कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के संविधान में विनिर्दिष्ट राज्य धर्म का उपबंध किया गया है, परिणाम स्वरूप हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के बहुत से व्यक्तियों को इन देशों में धर्म के आधार पर अत्याचारों का सामना करना पड़ा है। यानी धर्म शासित राज्य में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होंगे, मान लिया है। ये बात हम मान रहे हैं और ये माना भी जाना चाहिए कि धर्म शासित राज्य कितना भी अच्छा हो, थियोक्रेटिक स्टेट, वो अपने अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार करती ही करती है। असली वाले अध्यक्ष जी तो नहीं है, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष जी यहां रूलिंग पार्टी के बैठे हुए हैं, इसलिए मैं उनसे आश्वासन चाह सकता हूं कि धर्म शासित राज्य चूंके अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसलिए हमारे देश में अगर कोई दल, कोई संगठन, कोई व्यक्ति भारत को धर्म शासित राज्य, चाहे इस्लामी राष्ट्र, चाहे खालिस्तान, चाहे हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करे, उसका खंडन कीजिए और भारतीय जनता पार्टी को खुले तौर पर ऐलान करना चाहिए कि चूंकि धर्म शासित राज्य अत्याचार करता है अपने नागरिकों के साथ, इसलिए हम किसी प्रकार के धर्म शासित राज्य का समर्थन नहीं करेंगे बल्कि उन लोगों को रोकेंगे। सर, मैं जानता हूं कि सीए भी एक अलग कानून है, एनआरसी अभी पाइपलाइन में है, वो हमारी सरकार की मंशा है। मैं चाहता था ये दोनों विषय अलग अलग रहने चाहिए थे, लेकिन कई बार गृह मंत्री जी के भाषण चुनाव में भी सुने और बाद में भी सुने और वक्तव्य भी सुने, उन्होंने कहा कि इन दोनों चीजों को मिलाकर के देखिए, और जब बंगाल के लोगों को वो संबोधित करते हैं तब तो बहुत ज्यादा इसको मिला देते हैं। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं इस विषय में। सर, हमारे देश का बंटवारा हुआ था 2 नेशन थ्योरी, जिसे हम द्वि राष्ट्र का सिद्धांत कहते हैं। सावरकर जी मानते होंगे
हिंदू एक राष्ट्र है, जिना मानते होंगे मुसलमान एक राष्ट्र हैं, लेकिन मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं कि मैं नहीं मानता कि राष्ट्र धर्म के आधार पर बन सकता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या, टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या, इस्लामी राष्ट्र का मतलब क्या? मतलब यह है जो हम आए दिन सुनते रहते हैं कई लोगों के भाषणों में, किसी नेता या मंत्री का नाम मैं नहीं ले रहा हूं लेकिन इनके सहयोगियों का, कि हम हिंदुस्तान को मुस्लिम मुक्त बनाएंगे। कई लोग तो तारीख तक बता देते हैं कि 2021 तक मुस्लिम मुक्त बनाएंगे, 2024 तक मुस्लिम मुक्त बताएंगे। मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा किसी नेता या नहीं, लेकिन आपके कई सहयोगियों ने इस तरीके के वक्तव्य दिए हैं जो आज पब्लिक डोमेन में है। अरे इसमें क्या, नाम नहीं लिया किसी का। मान्यवर, नियमों से हटूंगा, अगली बार आप बनिएगा। और इस्लामी राष्ट्र का क्या मतलब था टू नेशन थ्योरी के तहत, कि पाकिस्तान हिंदू मुक्त होगा। मैं बड़े दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं कि जो ख्वाब मोहम्मद अली जिना का 1947 में बंटवारे के वक्त पूरा नहीं हो पाया कि हिंदुस्तान मुस्लिम मुक्त हो और पाकिस्तान हिंदू मुक्त हो, वो ख्वाब इस एनआरसी और सीएबी के आने के बाद हमारे देश की सरकार जिना का ख्वाब पूरा करने जा रही है, यह बात मैं कहना चाहता हूं। हमारा जब संविधान बना, सेकुलरिज्म बहुत से लोग कहते हैं कि सन 76 में घुसा दिया गया, सेकुलरिज्म सन 76 में नहीं सर, सेकुलरिज्म संविधान सभा के अंदर ही था। सरदार पटेल जी, हमारे पहले गृहमंत्री, आजादी के आंदोलन के बड़े सिपाही, बड़े नेता, आज उनकी कितनी बड़ी मूर्ति आप बना लो, लेकिन वो सरदार पटेल के कद को वो मूर्ति की ऊंचाई छू नहीं सकती है, ये मैं बता रहा हूं, इतने बड़े नेता थे वो। संविधान सभा की बहस के दौरान सरदार पटेल ने क्या कहा, मई 1949 में जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी तो उन्होंने कहा, वी आर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ए ट्रूली सेकुलर डेमोक्रेसी इन इंडिया। फिर 5 जून 1949 की बैठक में क्या कहते हैं, द हेल्दी सेकुलर आउटलुक इज द फाउंडेशन ऑफ ए ट्रू डेमोक्रेसी। लेकिन आज हमारी सरकार जो कर रही है, कानून के या संविधान के साथ जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर या लोगों की शिनाख्त करके उन्हें कुछ सहायता या कुछ मदद देने की बात करते हैं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं मान्यवर कि यह स्थिति कानून की नजर में, संविधान की नजर में बहुत अच्छी नहीं है। किस लिए नहीं है? और एक दूसरी बात, माननीय होम मिनिस्टर जी ने, गृहमंत्री जी ने कई बार कहा कि इस कानून का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। मैं एग्जैक्ट शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं जो लोकसभा के अंदर माननीय गृहमंत्री जी ने जवाब देते हुए कहा, यहां लेना देना शब्द इस्तेमाल नहीं किया, दूसरा कहा, थोड़ा संशोधन कर लिया, लेकिन वहां कम से कम 10 बार यह कहा गया कि इस कानून से इस देश के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। क्यों साहब, हम इस देश के नागरिक नहीं है? मुसलमान इस देश के बाशिंदे नहीं है? इस देश के प्रीएम्बल को घायल कर दिया जाए, इस देश के आर्टिकल्स को, अनुच्छेदों को घायल कर दिया जाए और संविधान का जो सेकुलर फाउंडेशन है उसकी जड़ों को हिला दिया जाए और फिर कहो कि इस कानून से मुसलमानों का कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मुसलमानों तुम अपने घर में रहो। क्या हम 2 नंबर के शहरी हैं? क्या मुसलमान दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? ये अगर इस देश का विभाजन ना होता और धर्म के आधार पर ना होता तो ये कभी भी लेकर नहीं आना पड़ता। और माननीय कहते हैं, सावरकर जी को कोट किया, जिन्ना को कोट किया, वो मैं बाद में जवाब देना चाहता हूं, मगर कहते हैं कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ कहां से लेकर आए। माननीय मैं उनके ही नेता
देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के एक समझौता किया था, नेहरू लियाकत अली समझौता 1950 में दिल्ली में हुआ, जिसको दिल्ली समझौते से भी जाना गया। मनोहर 8 अप्रैल 1950 को दोनों देश के प्रधानमंत्री के द्वारा हस्तलिखित हस्ताक्षर किया हुआ ये समझौता उसकी पहली बात है कि 8 अप्रैल 1950 को जो समझौता हुआ उनको दोनों ने पक्षों ने स्वीकृति दी। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य बहुसंख्यकों के साथ अपने देश में सार्वजनिक जीवन में भागीदारी, राजनीतिक अथवा अन्य कार्यालय का पद ग्रहण करने तथा अपने देश की सिविल तथा सशस्त्र बलों में सेवा करने का समान अवसर दिया जाएगा। अपने धर्मों का मुक्त रूप से अनुसरण कर पाएंगे। व्यवसाय, अभिव्यक्ति और पूजा करने की आजादी भी सुनिश्चित कर दी जाएगी। ये दोनों देशों ने एक दूसरे देश को वादा किया था। और किसको वादा किया था? अपने अपने देश में रहे हुए अल्पसंख्यकों। और वो वादे का क्या हुआ माननीय? आज मैं पाकिस्तान के कई कानून कोट कर सकता हूं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, आपको कई प्रकार के प्रतिबंध डाल दिए गए। कुछ सदस्यों ने आंकड़ा बताया, कल मैंने भी लोकसभा में बताया था, 23% से 30% हो गए, 22% से 7% हो गए। और यहां क्या हुआ? यहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मुसलमान बने, इस सभागृह के सभापति भी मुसलमान बने, माननीय इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी मुसलमान बने, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी मुसलमान बने। माइनॉरिटी को यहां संरक्षित और संवर्धित किया गया। भारत ने वादा निभाया, मगर हमारे तीनों पड़ोसी देशों ने वादे का निभाव नहीं किया और इसके कारण अपने धर्म को, अपने समान को, अपने परिवार को, अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए वो इस देश में आए। अब कहां जाए? उनको नागरिकता नहीं देंगे? अभी बता रहे थे गुलाम नबी साहब कि उन्होंने मुझे कहा कि मेरे विभाग में पास्ट में जो जवाब दिए उसको उन्होंने कोट किया, इतनी ही संख्या। ये सही है, सरकार अगर एक कानून नहीं आता है और किसी को पूछेगी कि आप विदेशी हो क्या, तो सबको ही ना बोलेंगे, कौन हाँ बोलेगा। मगर एक कानून होने के बाद जब हम कहेंगे आपको उस दिन से नागरिकता दी जाएगी और आपकी सारी चीजों को हम प्रोटेक्ट करेंगे, संख्या जब आएगी नागरिक बनने की, इस सदन में मैं भी होऊंगा, गुलाम नबी साहब आप भी होंगे, लाखों लाखों करोड़ों होंगे, ये मैं सदन की उपस्थिति में कहूंगा। क्योंकि आपने उनको प्रोटेक्ट करने की व्यवस्था ही नहीं करी, कैसे अपने आप को वो जाहिर करते तो नौकरी चली जाती, शादी टूट जाती, अपना घर चला जाता, गिरफ्तारी भोगनी पड़ेगी। आज नरेंद्र मोदी जी जो बिल लेकर आए हैं, इसमें निर्भीक होकर वो कहेंगे हाँ हम शरणार्थी है, हमें नागरिकता दीजिए, और उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नागरिकता देने का प्रोविजन हम लेकर आए। इसलिए अब घोषणा करेंगे, जिन्होंने ही जख्म लगाए वो जख्म क्यों लगे वो पूछते हैं। आपके कारण ही, आपकी सरकारों के कारण ही वो घोषित नहीं कर पाए कि मैं शरणार्थी हूं, विदेश से आया हूं। और आज आप ही सवाल पूछ रहे हो, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है और उन लोगों को भी आश्चर्य होता है कि जिनके कारण आज ये नर्क की यातना हम झेल रहे हैं, वो हमें पूछ रहे हैं भला तुम भारत के नागरिक नहीं हो क्या, इतने भोले बन गए, इतने अनजान बन गए, आंख कान सब बंद कर दिए, उनका अंतर्नाद, इनकी चीखें सुनाई नहीं पड़ती आपको? लाखों करोड़ों लोग आज तक चित्कार कर कह रहे हैं हमारे साथ अन्याय हुआ, मगर नहीं किया। गुलाम नबी साहब पूछते हैं कि देशों का चयन कर किस तरह से किया। गुलाम नबी साहब, पहली बार में नागरिकता के अंदर संशोधन लेकर नहीं आए, कई बार हुआ है और कई बार इस देश ने नागरिकता दी है, जब श्रीलंका के लोगों को दी नागरिकता।
श्रीलंका से आए हुए लोगों को दी। मैं पूछ सकता हूं भला कि उस वक्त बांग्लादेशियों को क्यों नहीं दी? जब युगांडा से लोग आए उनको नागरिकता दी, मैं पूछ सकता हूं भला कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के वालों को क्यों नहीं? मैं अब ऐसा कहूं क्योंकि हिंदू थे इसलिए आपने नहीं दी? ऐसा नहीं होता है। एक एक समस्या को एड्रेस किया गया अलग। मैं नहीं कह रहा हूं आनंद शर्मा जी आप दुखी मत हुई, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा कह भी नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब लंका की समस्या हुई तब लंका की समस्या को एड्रेस करने के लिए कानून लाए, एक प्रोविजन किया जो सिर्फ लंका से आए हुए शरणार्थियों को एड्रेस किया। युगांडा से जब लोग आए, मिस्टर वाइको साहब, जब युगांडा से लोग आए तब युगांडा की समस्या को एड्रेस करने के लिए हमने किया तो सिर्फ युगांडा का किया। आज सिर्फ भारत की भूमि सीमा से जुड़े हुए ये तीन देशों की धार्मिक लघुमती जो शरणार्थी बनकर आई है उसी को एड्रेस करने के लिए बिल लाए हैं, इसीलिए तीन देशों का जिक्र है। वरना जब इंदिरा जी ने बांग्लादेश के सारे शरणार्थियों को 71 में स्वीकारा तो उस वक्त लंका वाले को क्यों नहीं स्वीकारा भी? हमने इरादों पर शंका नहीं करी। जो समस्याएं होती है वो हल करने का प्रयास करते हैं तब वही समस्या का समाधान होता है। इसको राजनीतिक कपड़े नहीं पहनाना चाहिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। और अब कह रहे गुलाम नबी साहब कि आप ध्यान बंटवाने के लिए रहे हैं। गुलाम नबी साहब, हमें ध्यान बंटवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो बड़े पुराने अनुभवी सांसद हो। ये बिल 1915 में हम लेकर आए थे, स्टैंडिंग कमिटी में गया, ज्वाइंट कमिटी, अरे सॉरी 2015 में लेकर आए थे, बाद में ज्वाइंट कमिटी में गया, पार्लियामेंट ने पारित किया, राज्यसभा में नहीं करने दिया तो अटक गया था। उस वक्त क्या ध्यान बटाने की जरूरत होती 2015 में? कोई ध्यान बटाने की जरूरत नहीं है। हम चुनावी राजनीति अपने दम पर लड़ते हैं, हमारे नेता की लोकप्रियता पर लड़ते हैं और जीतते हैं, मगर देश की समस्याओं का समाधान करना ये हमारा काम है और हम मानते हैं सरकारों का ये दायित्व तो है और वो हम करते हैं। और जब देश की समस्याओं का समाधान करते हैं तब उसको कहते हैं कि आप ध्यान हटाना चाहते हो। मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। मान्यवर, मैं फिर से लियाकत नेहरू समझौते पर आता हूं। लियाकत नेहरू समझौता होने के बाद सभी देशों के संविधान बने। समझौता समझौते की जगह रहा, फाइलों में रहा, संविधान कैसे बने? अफगानिस्तान का संविधान, आज मैं इसके एक अनुच्छेद 2 को पढ़ना चाहता हूं। पवित्र धर्म इस्लाम, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का धर्म है, मतलब वो राज्य देश का घोषित धर्म इस्लाम है। बांग्लादेश, शेख साहब ने तो ठीक ही बनाया था, 77 और 88 में बदला गया और अनुच्छेद 2 कम में लिखा गया, रिपब्लिक का राज्य धर्म इस्लाम है। पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अनुच्छेद 2 में लिखा, पाकिस्तान का राज्य धर्म इस्लाम है। अब मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि तीनों देश हमारे देश की भौगोलिक सीमा से सटे हुए हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा 3223 किलोमीटर है, भारत बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर है और भारत अफगानिस्तान की सीमा 130 किलोमीटर है। और ये तीनों देश जो हमारी भौगोलिक सीमा से सटे हुए हैं वो एक प्रकार से अलग अलग कानूनी व्याख्या हो सकती है मगर एक प्रकार से इस्लामिक स्टेट है। अब मान्यवर, बहुत बड़ा सवाल यहां से एक खड़ा किया कि इसमें मुस्लिम क्यों नहीं है। मेरे लिए तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि 6 धर्म के लोगों को ला रहे इसका कोई एप्रिसिएशन नहीं है, सिर्फ मुस्लिम क्यों नहीं है ये बात पूछी। खैर, क्यों नहीं है ये भी मैं बताता हूं। मान्यवर, क्यों नहीं है ये भी बताता हूं कि ये बिल हम ये तीन देशों के अंदर जो धार्मिक प्रताड़ना जिन लघुमतियों पर हुई है उनको शरण देकर उनके सारे पास्ट के जो कागज नहीं है सब चीजों को छोड़कर नागरिकता देने के लिए लेकर आए हैं। अब जब मैं माइनॉरिटी शब्द का प्रयोग करता हूं, कोई मुझे बता दे विपक्ष में से कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस्लाम मत के
अनुयायी माइनॉरिटी कहे जाएंगे क्या? नहीं कहे जाएंगे। और धार्मिक प्रताड़ना का जहां तक सवाल है, मान्यवर, जहां तक धार्मिक प्रताड़ना का सवाल है, जब राज्य का धर्म ही इस्लाम है, राज्य का धर्म ही जब इस्लाम है, तब इस पर प्रताड़ना होने की संभावना कम हो जाए। अब बैठ जाए ना मान्यवर, बाद में बताइए, जाके बाद में बताइए जाके प्लीज मान्यवर। जब राज्य का धर्म ही इस्लाम है, तब इस्लाम के अनुयायियों पर प्रताड़ना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और अगर फिर भी किसी को एप्लीकेशन करनी है तो करने का कानून में प्रावधान है और उनको नागरिकता दे भी रहे हैं। हमारे 5 साल के अंदर बैठ जाइए, बाद में पूछे ना, होम मिनिस्टर ऐसे नहीं होता, मेरा भाषण समाप्त होने के बाद पूछे। और फिर भी इक्का दुक्का किसी की प्रताड़ना होती है तो उनको भी नागरिकता देने का प्रोविजन हमारे यहाँ है। और मोदी जी के शासन में 5 साल में 566 से ज्यादा ये 3 देशों के मुस्लिम नागरिकों को नागरिकता हमने दी। परंतु जब एक जर्नल दृष्टि से देखते हैं और सामान्य दृष्टि से जो हो रहा है इसको हम स्वीकारते हैं तो ये माना जाएगा मान्यवर कि जहां इस्लामिक स्टेट है वहां पर इस्लाम के अनुयायियों पर धार्मिक प्रताड़ना होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए इसमें सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को भी रखा है। अब हमारी पार्टी की पंथ निरपेक्षता पर सवाल खड़े कर दिए, भाई सिर्फ हिंदू रखा है क्या, सिर्फ सिख रखा है क्या? इसके अंदर बौद्ध भी आ रहे हैं, जैन भी आ रहे हैं, पारसी भी आ रहे हैं, क्रिश्चियन भी आ रहे हैं। ये कहां पंथ निरपेक्षता नहीं, सिर्फ मुसलमान आएगा तो ही पंथ निरपेक्षता हो जाएगी? आपकी पंथ निरपेक्षता की व्याख्या बड़ी सीमित है, हमारी व्यापक है। जो प्रताड़ित है उसी को लाना, ये हमारी व्याख्या। आपकी व्याख्या है कि मुस्लिम आएगा तो ही पंथ निरपेक्ष माने जाओगे, तो ही धर्म निरपेक्ष माने जाओगे। हमारी व्याख्या इतनी सीमित नहीं। अब मैं, कपिल सिब्बल साहब, चिदंबरम साहब और आनंद शर्मा जी ने एक मुद्दा अनुच्छेद 14 का उठाया, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मान्यवर, ढेर सारे जजमेंट है, बाद में मैं बताता हूं, दोनों है। अगर इस प्रकार की आर्ग्यूमेंट सब क्लाइंट सुन लेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी कपिल सिब्बल साहब। ढेर सारे जजमेंट है, मैं बताता हूं आपको। अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार दिया है, संसद को ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकता जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधारित हो, और रीजनेबल क्लासिफिकेशन आज यहां है। हम कोई एक धर्म को नहीं दे रहे, हम ये 3 देशों की माइनॉरिटी को ले रहे हैं और सभी की सभी माइनॉरिटी को ले रहे हैं, एक क्लास को ले रहे हैं, और उसमें भी वो क्लास को जो धार्मिक प्रताड़ना से प्रताड़ित है, जिनके धर्म को बचाने का खतरा है, जिनकी महिलाओं की इज्जत को बचाना उनके लिए खतरा है, ऐसी माइनॉरिटी के सभी धर्म को ले रहे हैं, एक निश्चित क्लास है। इसलिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर ये संसद को कानून बनाने का अधिकार है, और इसी के तहत ये मैं कानून लेकर आया हूं। मान्यवर, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि ये जो अमेंडमेंट मैं लेकर आया हूं इसके अंदर एक बुद्धिगम्य विभागीकरण किया है, जिसके पीछे एक क्राइटेरिया भी है। ये बुद्धिगम्य विभागीकरण ये जो किया है, इसके लिए भी ढेर सारे जजमेंट्स है, ये इंटेलिजिबल डिफरेंसिया है, और ढेर सारे जजमेंट में अभी पढ़ता भी हूं, क्योंकि उन्होंने एक भ्रांति खड़ी करने का प्रयास किया है कि ये नहीं कर सकते। मान्यवर, ये बुद्धिगम्य विभाजन और रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कहीं पर भी ये बिल आर्टिकल 14 को हर्ट नहीं करता है और बाकी सारे आर्टिकल को भी हर्ट नहीं कर सकता है। मान्यवर, मैं थोड़े जजमेंट पढ़ना चाहता हूं। अनुच्छेद 14 में समान अधिकार की बात तो है, मगर उचित वर्गीकरण की बात की है,
सबसे पहले दालमिया बनाम जस्टिस तेंदुलकर, उसमें अनुच्छेद 14 का सही अर्थ और दायरा निम्न अनुसार दोहराया गया। अब यह सुस्थापित है कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान का निषेध करता है, जबकि यह कानून प्रयोजन के लिए उचित वर्गीकरण को मना नहीं करता है। हालांकि अनुमेय वर्गीकरण की परीक्षण को पारित करने के लिए दो शर्तों का पूरा करना होगा, अर्थात वर्गीकरण को बुद्धिमत्तापूर्ण विभेद के आधार पर करना होगा। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट यहाँ पर सेटिस्फाइड होती है। इसके बाद ढेर सारे जजमेंट है। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारतीय संघ का जजमेंट है, जिसमें उचित भिन्नता का स्वीकार किया गया मान्यवर। इसके बाद पेरेंट्स एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारतीय संघ का जजमेंट है, इसमें भी इसको सीरीज ऑफ जजमेंट है मान्यवर, जिसमें आर्टिकल 14 को ठीक ढंग से परिभाषित किया गया है। और मैं मानता हूं कि आज भी मैं जो बिल लेकर आया हूं किसी भी प्रकार से आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता है। दोनों बड़े वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, अब दोनों संसद को डरा रहे हैं कि संसद के दायरे में कोर्ट घुस जाएगी। भला कोर्ट ओपन है साहब, कोई भी व्यक्ति अदालतों में जा सकता है, हमें इससे डरना नहीं चाहिए। हमारा काम अपनी विवेक बुद्धि से कानून बनाना है, और जो हमने किया है, और मुझे विश्वास है कि कानून अदालत में भी सही पाया जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि आप दोनों जरा उस वक्त आर्ग्यूमेंट करने के लिए वहां जाएंगे तो कोर्ट भी आपको बताएगी कि क्या ठीक है। मान्यवर कांग्रेस पार्टी मान्यवर अजीब प्रकार की पार्टी है, सत्ता में होती है और अलग अलग भूमिका में उनके अलग अलग सिद्धांत होते हैं। हम तो 1950 से कहते हैं कि धारा 370 नहीं होनी चाहिए, कभी हमने इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं करा। हम शुरू से कहते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाना चाहिए, सत्ता में है विपक्ष में है, हम इसमें कंफ्यूज नहीं रहते। मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक पत्र है मेरे हाथ में चीफ मिनिस्टर राजस्थान का, जब सम्मान्य चिदम्बरम जी गृह मंत्री थे तब लिखा गया था। आप देखिए बात, यू डोंट गेट इट। माननीय सभापति महोदय, जब चीफ मिनिस्टर राजस्थान, बैड हैबिट सीनियर गहलोत फॉर द फॉलो द प्रैक्टिस, लेट हिम, यू कांट डू इट। सभापति महोदय, जब यूपीए की सरकार थी, टॉकिंग समथिंग एंड यू आर रेजिंग समथिंग, श्रीमान चिदंबरम जी गृह मंत्री थे, राजस्थान ने एक पत्र लिखा उनको। पत्र में क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग इश्यू लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानी शरणार्थी हिंदू एंड सिख कम्युनिटी। सिर्फ दो ही, हम तो भला 6 लेकर आए, क्रिश्चियन भी रखा है, और उनको एक रियायत देने के लिए राजस्थान की बॉर्डर पर जो आए हैं, और कांग्रेस पार्टी ने मान्यवर 2 बार रियायत दी है, और 13,000 लोग ये रियायत के आधार पर, ये दो ही धर्म के, दिग्विजय सिंह सुन ले जरा, ये दो ही धर्म के 13,000 लोग नागरिक बने, मगर वो नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जो करेगी वो तो सारा सेक्युलरिज्म है, सारा सेक्युलरिज्म, जो करो वो कोई भी आपत्ति नहीं है। कब तक मूर्ख बनाओगे माइनॉरिटी को मान्यवर? ये कह रहे थे कपिल सिब्बल साहब के, आपसे कोई नहीं डरता मुसलमान, मैं तो नहीं चाहता डरे, आपके ही लोग कहते हैं डर है डर है डर है, मैं कभी नहीं कहता कि डरो, डरना भी नहीं चाहिए। इस देश के गृह मंत्री पर सबका भरोसा ना होना चाहिए, और मैं कहता हूं माइनॉरिटी को जरा भी चिंता मत करो। और इस बिल के लिए भी मान्यवर, इस बिल के लिए भी कहता हूं कि ये बिल भारत में रहने वाले किसी भी माइनॉरिटी को, और विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को जरा भी नुकसान करने वाला नहीं, क्योंकि ये बिल सिर्फ उनको नागरिकता देता, किसी की नहीं छीनता है, किसी की नागरिकता छीनने का सवाल ही नहीं है इस बिल से। इसके कोई प्रोविजन में से निकालकर मुझे बता दे जरा, किसी की नागरिकता नहीं छीनने जा रहे हम जो वहां से बिचारे वो शरणार्थी आए हैं उनको दे रहे हैं, इसमें भला भारत के मुसलमानों को क्या आपत्ति होगी? क्यों भेद खड़ा कर रहे हो? भारत के मुसलमानों को भारत ने सम्मान दिया है, बाद में मैं आता हूं नरेंद्र मोदी सरकार ने भी क्या किया है,
मगर हमने सम्मान दिया, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मान्यवर, इनके नागरिकता को कोई असर होने वाला नहीं है। ये तो वहां से जो प्रताड़ित लोग आए हैं, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, क्रिश्चियन है, पारसी है, उनको नागरिकता देने का सवाल है, किसी को हटाने का नहीं। इसलिए इसलिए मेहरबानी कर पॉलिटिक्स करिए, परंतु पॉलिटिक्स कर देश में भेद खड़ा नहीं करना चाहिए। मैं आज मन से आपको अपील करना चाहता हूं, ये बड़े संवेदनशील मामले होते हैं और ये जो आग लगती है वो अपने ही घर को जलाती है, इसलिए इस आग से किसी ने खेलना नहीं चाहिए।